रू रू के मम्मी गई बाजार, रू रू रोबे घर के द्वार। उठ जाओ रू रू। उठ नहीं रही है तो बाबा, सो रही है। रूरू कह रही है रूरू आएगी बाबा के पास सुबह सुबह जब जग जाएगी, है ना। चलो जग जाओ जग जाओ जग जाओ। बाबा बहुत देर से बोल रहे थे कि रूरू को बुला दो, रूरू को बुला दो, तो इसलिए ऊपर से लेके आए हैं रूरू को बाबा से मिलाने के लिए। अब ऊपर लेकर जा रहे हैं, बाबा सो रहे हैं। रूरू इतनी धूप ले ली है कि अब सोने को तैयारी हो। ओ हवा लगी, हवा लगी। धूप लेना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है ना। हाय। तो ये वृंदा आई है सेवन की दोस्त, सेवन से मिलने दिल्ली से बहुत लोग आ रहे हैं। नेहा वृंदा है। क्या करें, आना पड़ता है ना, मेरे लिए गुड न्यूज़ तो आना पड़ता है। हमसे मिलने कभी नहीं आए लोग हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज होती है, प्रायोरिटीज लोगों की ऐसी होता है, ये तो दर्शन भी नहीं देती है। नहीं, सही बात है। सोना की फ्रेंड ये लेके आई हैं दीदी गिफ्ट, अभी देखते हैं इसमें लेके क्या आई हैं। आजकल लोगों को बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं। हम तो मिला गया ही तो फटे वही नहीं पड़े वही नहीं पड़े वही नहीं पड़े वही मैं राय तो वैसे ही खराब करते देखो शुरू हो गया है। अब थोड़ा बहुत वॉक भी करना शुरू कर दिया है, हैं? अब वॉशरूम जा रही है। प्रिया का चैनल खुलवाऊंगा, इससे बुलवा दो प्रिया से। हैं, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ प्रिया का चैनल खुलवाऊंगा इससे, जो छोटी है। हाँ, किंग से छोटी है, छोटी है ना। अगर किसी ने ये चली है ना, तो ये इससे भी मार सकते हो और इससे ही मार सकते हो, क्योंकि दोनों बड़े हैं इससे। दोनों बड़े हैं, हाँ, छोटे से नहीं मरेगा। समझ गए, ठीक है। इसके बाद फिर 10 आएगा। किसी ने ये चली है, हमारे पास ये है, अगर हमें मारना है इसको तो इससे मार सकते, तो इससे मार तो सकते हैं, लेकिन आगे बारी जो जो वो है ना, जैसे आपके पास है ये, यहाँ नीचे चल रहे हैं इनके पत्ते, नीचे ज्वारी बैठे हुए हैं सारे के सारे। मैं ऐसे खिला रहा हूँ अपने बच्चे को, सारे ज्वारी यही बैठे हैं, पत्ते खेलने सिखा रहे हैं एक दूसरे को, देखो ज्वारी। समझ आ रहे हैं भाई, समझ आ रहे हैं। नए खिलाड़ी थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। यह ट्रेनिंग चल रही है ज्वारियों की, एक दो ज्वारी है, दूसरे ज्वारियों को ज्वारी बनाने की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ भाई, कौन कौन क्या सीखा? आंटी सीखी, आंटी बताई। अच्छा, ये नए ज्वारी बना रहे हो तुम इनको, है? सही है, सही है। क्या खेलने लाद है? छाया आंटी के पास, क्या कहते हैं, बुआ के पास, फिर से लाद बता देना। क्योंकि लाद ये तो नाई करके आए, उनको पता है। कोई पापा से बोलो नाई करके आएंगे, जाओ। इसमें क्या होता है लाद में, जो हमारे रुजु बोल दो, पापा रोज नहाते हैं वो हमें अपने पास बचाना होता है। तुमने नहीं हो, तुमने नहीं हो झूठे पापा। जितने हो सके अपने पापा नहीं निकालते, अपना बनाना नहीं है, दूसरे का बनवाओ उसके अंदर। और मेरे वाला आप पे है, सो रहा है, सो रहा है, सोने लग रही है। अभी दूध वूध पिया इसने, रो रही थी थोड़ी देर पहले। भूत आया। मम्मी काली सी नहीं लग रही आपको? देखना, लाल लाल सी, काली काली सी हो रही है इसका मुंह। नहीं, निक्की छोटी तो इससे भी ज्यादा काली थी। अच्छा, अब तो मैं गोरी हूं। एक महीने की तो नानी के यहाँ चली गई। हाँ। तो सबने देख कर कहा कि भाई तो बहुत काली काली है। जब मैं 2 महीने बाद तेरे पास गई तो तू अंडे की तरह बिल्कुल व्हाइट, मुझे लगा भी नहीं कि मेरी लड़की है। गोवा चलेंगे दिसंबर में। हाँ। रूरू को लेके। हाँ। चलोगी? वो तो पूछ रहा है, चलोगी? हेलो, पहले चलेंगे, ठीक है। तो अब डिलीवरी के बाद सेवन को 8 दिन हो चुके हैं और आज ये अपना मेकअप करके वीडियो बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी नॉर्मल चल फिर पा रही है। ये कह रही है कि काम जरूरी है। So, मुझे कोई पेन नहीं है तो, और कोई ऐसा नहीं है तो मैं नॉर्मल बैठ के यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना सकती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम? जो तुम्हें अच्छा लगा वो करो, पर उस पर जोर नहीं पड़ना चाहिए पेट पे, बस आराम से बैठो और ऐसे बैठ के बनाओ। यस, यहाँ इसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, इसको बहुत इरिटेशन होती है जब ये गीली हो जाती है। इसको गीले से बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर पैरों पर अगर इसे कुछ हल्का सा गीला लग जाए ना, तो ये ऐसी चिल्लाती है। तो भैया आज हम गए थे क्लास और
आज मैंने सोचा था कि आज जो है वहाँ जितने मेरे दोस्त वगैरह आते हैं क्लास में, उन सब के लिए वहाँ पे पूरे क्लासमेट्स के लिए कुछ वहाँ पे आराम से कुछ खाने पीने को ले जाऊँ, पार्टी वार्टी करें वहीं पे क्लास में। पर अभी जो है आज बहुत सारे लोग आए नहीं है, तो मैं अंदर तो नहीं गया, मेरे को बाहर से पता चल गया बहुत सारे लोग आज आए नहीं है। साथ ही साथ जहाँ से मैं जो चीज़ पैक करवा के ले आने वाला था, जो मैंने एक बंदा है मतलब जो एक दुकान है वहाँ से, तो वो अभी उनके पास खाने का भी वो प्रिपेयर नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, मतलब जो समोसे और कुछ चीज़ें जो मैंने बोली थी तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो जब तक वो लोग चले जाएंगे वहाँ से क्लास में से। सो मैंने सोचा कि कल का करते हैं, कल तो अभी मैं वापस आ गया हूँ, कल मैं दोबारा जाऊँगा और वहाँ से फिर पूरा जो खाना वाना जो सब कुछ जो पैक करवाया है खाने पीने का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा जल्दी ले लेंगे, तो जिससे कि मैं क्लास में सही टाइम पर पहुँच सकूँ और सब लोग खा पी सकें। बाकी अभी जिम जाना है मेरे को, तो अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पर जिम का टाइम अभी एक डेढ़ घंटे बाद होगा। तो जिम लगभग एक हफ्ते से जिम नहीं गया हूँ, तो यहाँ फैट पेट पर फैट बहुत जगह पे आ गया, एक हफ्ते से ज़्यादा की छुट्टी हो गई है और दबा के खाया भी है, मतलब कि मीठा और बहुत कुछ, क्योंकि घर में तो अभी तो प्रोग्राम से ही चल रहा है पूरा, तो मिठाइयाँ तो रोज़ थी वैसे ही चल रही हैं। तो अभी आज से थोड़ा सा खाने पे ध्यान देंगे दोबारा से और मीठा मीठा बंद करेंगे और जिम करेंगे ढंग से, क्योंकि भैया रूरू आ चुकी है तो उसके पापा फिट होने चाहिए, और देखें कि हाँ भाई पापा फिट हैं, जब तो बच्चा फिट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अभी घर चलते हैं रूरू के पास, उसे थोड़ी देर उसके साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर जिम आएंगे। चलो चलते हैं। ये जो फाटक है ये यूजली कभी बंद होता नहीं है, मतलब ये ऐसा होता है कि कभी महीने दो महीने में कभी बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी आती है। अभी आपने पीछे देखी होगी कि पीछे खड़ी थी वो। ठीक है, तो आज इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है। चलो भैया जल्दी जल्दी निकलो, आज तो बाल काट लिया हो तुमने, मम्मी ने काटे क्या? सही है, छोटी छोटी कर दी, सही है, गर्मी आ रही है वैसे भी। है मेरा इंतजार किया था, मुझे नहीं कटवाने बाल आज तो, बस तुम ही, मैं तो बड़े करूँगा बाल। तुम ऐसा करना, अब कटवाना मत, तुम भी बाबा यहाँ आया कर लो, दाढ़ी रखना। नहीं, दाड़ी, दाड़ी, क्यों दाड़ी, अच्छे लगते हो तुम दाढ़ी में, टोकता ना, है? टोकता ना। अरे तो टोकन दो, जिसको टोकता क्या मतलब है, हम अच्छे लग रहे हैं, हमें दूसरों से मतलब थोड़ी है। और मैं जा रहा हूँ जिम, तो चलो चलते हैं। जिम हो गया कंप्लीट, अभी हम जा रहे हैं घर। और आज एक हफ्ते का जिम करा तो मज़ा सा आ गया, मतलब एक होता ना कि जब तुम बहुत दिन बाद करते हो तो एक एनर्जी सी अलग सी रहती है कुछ, क्योंकि तुम रोज़ एक काम कर रहे हो फिर बहुत दिनों बाद कर रहे हो तो मज़ा आता है। पर ठीक है, अभी कंटिन्यू रखेंगे इसको, अभी कोई छुट्टी नहीं मारेंगे, क्योंकि पेट कम करना है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलो घर चलते हैं, रू रू से मिलते हैं, पहले नहाएंगे उसके बाद। तो अभी आते ही घर आते ही कुछ ना कुछ काम बता देते हैं लोग। तो अभी काम आज का ये है कि हमारी जो ये वाली गैस है इसमें कुछ दिक्कत है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा, तो इसमें अच्छे से जो फ्लेम है वो अच्छे से नहीं जल रही है, तो एक पुरानी गैस रखी है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, इसको सही कराने के लिए देख के आएंगे। ठीक है, तो चलो इसका पाइप निकाल के उसमें लगाते हैं और उसको सही करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो खाना बनता है, तो सही करते हैं। चलो मम्मी ये वाली लगानी है क्या? है इसमें दिक्कत क्या है, इसका बस पाइप नहीं निकल रहा है, वहां से गैस लीक हो रही है, तो इसका पाइप चेंज कर देता हूं ना। तो ये अभी ये डिसाइड हुआ है कि अभी उस वाली गैस को यहां नहीं लगा रहे, इसको ही सही करवा के लाते हैं। अभी ये शायद एक आध घंटे में हो जाएगी तो बढ़िया, नहीं होगी तो फिर इसको लगा देंगे रात के खाने के लिए, पर अब इसे लेके चलते हैं। चलो अब रहने दो, ला दो, मैं जा रहा हूँ। सो रहे हो? नींद आ रही है? नींद आ रही है। खाना खा लिया? खाना खा लिया। चलो ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बनाया आज मम्मी? इतनी बड़ी कढ़ाई भर के कढ़ी, इतने बड़े बड़े पकोड़े, हम सब खाएंगे, निक्की नहीं खाएगी।
माँ देखिए माँ इतना मुझे कोई नहीं चढ़ाता खाने को लेके। पता है परसों इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया कद्दू मतलब काशीफल की सब्जी बनाई, रायता बनाया ग्रीन वाला बूंदी डाल के, और रोटी लेके और प्याज लेके मेरे सामने बैठ के यहाँ कहती है मुझे देख मजा रायता ये सब्जी ये रोटी और ये प्याज ऐसे। और अच्छा ये बताइए तेरी जो खिचड़ी है वो टेस्टी टेस्टी होती नहीं होती है? हाँ होती है मतलब खिचड़ी के साथ से टेस्टी होती है वो। हाँ होती है। है नहीं? तो वो भी तेरी बनाती है दीदी? तो चढ़ाती क्यों है मुझे? दे यही तो प्यार होता है परिवार में, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब तेरी अंडे लेके आई हूं। देख तेरे लिए देख अंडे लेके आई है वो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है एग्स खाने के लिए। तो ये क्यों बता रही है पकौड़े इतने बड़े बड़े हैं छोटे मुझे मुझे क्योंकि कड़ी तेरी फेवरेट है इसलिए तेरी कड़ी फेवरेट है। हम खाएंगे ना तेरी फेवरेट चीज। वेस खाएगा अभी आइसक्रीम में मंगाई है, आइसक्रीम में मंगाई है तेरी फेवरेट, वो भी खाएंगे। तो डॉक्टर ने मना किया ना? डॉक्टर ने ये मना किया कि मेरे से ऐसी बातें मत करो। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। कैसे कहा? आवाज कौन सी थी? आवाज बना के बोल रहा था। हमारा एक्टर बेकार निकल गया। चलो चलो बोलो। रूरू की मम्मी गई बाजार। नन ये तो तुमने बिल्कुल अलग ही कर दिया। आंखें बंद करके गाले अच्छा गा पाओ। रूरू की मम्मी गई बाजार। रो 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 वे घर के द्वार। ये रो रो के मम्मी गई बाजार। रो 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 वे घर के द्वार। मम्मी कहाँ से लाऊं मैं? कैसे चुप कराऊं मैं? तो अभी मैंने आपको जो गाना सुनाया कुछ भी कहो मैं अच्छा गाता हूँ। क्या कहते हो? अच्छा नहीं गाता? साथ में गाएं? साथ में गाएंगे ये गाना एक दिन अगली वीडियो में। चलो ठीक है, ये लोग बताएंगे कमेंट करके बताओ अगर आप चाहते हो साथ में हम ये गाना गाएं। ठीक है, ये जो गाना है बेसिकली ये बाबा गाते थे, मतलब ऐसे नहीं गाते थे जैसे मैंने गाया है, वो तो नॉर्मल लोरी की तरह गाते थे कि चिंटू की मम्मी गई बाजार, चिंटू रोबे घर के द्वार। ठीक है, तो इस तरीके से था वो टोन में। तो अभी हमने इसको एक अलग टोन में गाया है, मतलब मैंने कल हम सब सारे गाएंगे और हमने बस चिंटू की जगह पर रूरू लगा दिया। ठीक है, तो बस यही है। तो चलो अभी इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, और कल वाली वीडियो में हम करने वाले हैं जोलो चिप चैलेंज। चिप्स चैलेंज वाह। ठीक है ये नहीं करेगी, और अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि जोलो चिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे घर में तो पता ही नहीं है, हमारे घर में नहीं पता, मेरे को प्रिया को पता है लगभग। ठीक है, तो ठीक है, तो रुको जरा कल बताएंगे। चलो ठीक है, चलो इस वीडियो खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय। और सब्सक्राइब रूरू बाय कर रही है, बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाए और कुछ मैम अंगड़ाई ले रही है वो, इसे सोने देते हैं, तुम भी सो जाओ, मिलते हैं कल, बाय। और सब्सक्राइब करके जाना, बाय।